This is a new chapter. This is friction module number 01. Friction शुरू करेंगे अपन. मान लीजिए कि एक बॉडी ये है, ये ग्राउंड पे रखी है, मतलब दोनों सरफेस आपस में क्या है सर, कॉन्टेक्ट में है. ठीक है, जब भी दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस. ये दो सरफेसेस जो हैं उनके बीच में क्या लगता है सर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं. ठीक है, इस कारण ये जो सरफेसेस हैं या जो दो बॉडीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाते हैं, है ना. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फोर्सेस जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स लगाती हैं. ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं वो इक्वल होता है बट ऑपोजिट होता है इन डायरेक्शन. सो ईच बॉडी exerts a contact force on other. ठीक, magnitude of contact force are equal and opposite. magnitude of contact force आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन में क्या होता है सर, ऑपोजिट होता है. खैर सर, अच्छा ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, आपने जो पहले पढ़ा वो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स था. जो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है वो इस कॉन्टेक्ट फोर्स का कंपोनेंट होता है. दिस इज नॉर्मल और इस कॉन्टेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट सर, फ्रिक्शन. सेम इज हियर, इस कॉन्टेक्ट फोर्स का इधर क्या होगा सर, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, और इधर क्या कंपोनेंट होगा, दैट इज फ्रिक्शन. तो कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट और होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स और एक क्या होता है सर, फ्रिक्शन. ठीक है, है ना. तो जरूरी नहीं है कि जो आर है वो परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर कौन होता है सर, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स. नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स वी कैन रिजॉल्व दिस कॉन्टेक्ट फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, वन परपेंडिकुलर, इसको मैं परपेंडिकुलर लिखता हूँ, है ना, परपेंडिकुलर बना के एल, वन परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस एंड अदर पैरेलल टू इट. परपेंडिकुलर ऐसे लिखा है तो पैरेलल में ऐसे लिखता हूँ, अदर पैरेलल टू इट. ठीक है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट्स अ नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एंड दिस इज व्हाट्स अ फ्रिक्शन. द परपेंडिकुलर कंपोनेंट is called normal contact force and parallel component is called friction. That's how evolved friction aaya.
कैसे ये वर्ड फ्रिक्शन आया ये हमने देखा, है ना। अच्छा, एक चीज तो अपन साफ साफ कह सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या आर इक्वल्स टू रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज कॉन्टेक्ट फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं करी अपन ने। हमने कहा कि दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है, अगर दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है बिटवीन मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है, दोनों पे ही कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सरफेसेस के परपेंडिकुलर हो, ये इस डायरेक्शन ले लिया, ये अपन ने इस डायरेक्शन में ले लिया। अब जब इस कॉन्टेक्ट फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ दो डायरेक्शन में, तो दो फोर्सेज आते हैं, एक तो आता है नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स और एक क्या आता है सर, फ्रिक्शन। ओके सर, फ्रिक्शन के रीजन क्या हैं, रीजन फॉर फ्रिक्शन। जो बड़ा सा रीजन है वो ये है कि जब भी दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में, अब ये ग्राउंड है और ये आप देख रहे हैं ब्लॉक है, ये तो ब्लॉक है और ये क्या है सर, ग्राउंड। तो अभी ये जब आप देख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए देख रहे हैं, लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनकी जो सरफेसेस हैं वो आपस में इंटरलॉक हो चुकी है, ऐसे इंटरलॉक हो चुकी हैं। ऊपर वाला क्या है सर, ब्लॉक, ये ब्लॉक की सरफेस है, और ये नीचे वाला क्या है सर, ग्राउंड, ये ग्राउंड की सरफेस है। दोनों के दोनों आपस में क्या है सर, इंटरलॉक्ड, दोनों के दोनों आपस में क्या है सर, इंटरलॉक्ड। जब तक ये इंटरलॉकिंग टूटेगी नहीं तब तक ये आगे बढ़ेंगे नहीं। दिस कॉज व्हाट, फ्रिक्शन, दिस कॉज इज द फ्रिक्शन, फाइन, ठीक है, दिस कॉज इज द फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग ऑफ एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, है ना। बस ये इंग्लिश लिखी है जो मैंने बोला, उसकी मैंने क्या लिखी है सर, इंग्लिश लिखी है। जो फ्रिक्शन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सर काइनेटिक और एक क्या होता है सर, स्टैटिक, है ना। वैसे और भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है वेट फ्रिक्शन। फिर ड्राई फ्रिक्शन के दो पार्ट हैं, एक काइनेटिक होता है और एक स्टैटिक होता है। देखेंगे, मन हुआ तो आगे देखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो टाइप का होता है। पहला क्या है सर, काइनेटिक, और दूसरा क्या है सर, स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, देखते हैं दोनों क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन तो तब लगता है बॉडी पर जब बॉडी मूव कर रही होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है बॉडी के ऊपर जब बॉडी क्या कर रही है सर, रेस्ट पे होती है। ओके, दैट्स फर्स्ट वन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट एग्जिस्ट between two contact surfaces only when there is relative motion between the
टू कॉन्टैक्ट सरफेस। जब इन दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तभी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। इट इज ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है सर? इधर है 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा सर? पीछे। काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा सर? पीछे। फोर्स किधर लगा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब है। लाइक दिस, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है 2 न्यूटन, मर्जी है मेरी। पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। हमें फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, आप तो केवल देखिए कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, एंड देन डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दीजिए। ठीक है, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन था। उसके बाद एक आता है सर स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में तब लगता है जब दोनों बॉडीज की टेंडेंसी हो मूव करने की, है ना, पर मूव नहीं कर रही हो, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। फाइन, इट एग्जिस्ट between the two surfaces, between the two surfaces when there is a tendency of relative motion, of relative motion, but no relative motion along the contact surface, along the contact surface पे कोई relative motion नहीं है लेकिन relative motion की tendency जरूर है, है ना। ठीक है, जैसे कि ये example लो, ये एक बड़ा सा block है ना, इसका मास कितना लगा दिया सर मैंने? 20 kg, मेरी मर्जी है, है ना। या आप ये कीजिए कि बहुत बड़ा आपके घर में ये क्या है सर, एक बेड पड़ा है जिस पे अपन सोते हैं ना, बेड पड़ा है, बहुत भारी होता है बेड। अपन एक फिंगर से इसको पुश करें, एक फिंगर से इसको पुश करें, क्या ये बेड मूव करेगा? बेड डज नॉट मूव एट ऑल। पर इस बेड की मूव करने की टेंडेंसी तो है, आप दोनों हाथों से जोड़ लगाओ बेड मूव कर जाएगा। तो इस बेड के मूव करने की टेंडेंसी तो है लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों?
अगर मैं एक फिंगर से इसको क्या दूँ, जोर लगाऊं कि भैया तुम मूव करो, तो ये मूव नहीं करना। तो ये क्यों रुका हुआ है? क्योंकि बैड और ग्राउंड के बीच में क्या लग रहा है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बैड के मूव करने की टेंडेंसी तो है, बैड के मूव करने की टेंडेंसी तो है। तो बिटवीन बैड और ग्राउंड देयर एग्जिस्ट इज व्हाट? व्हाट एग्जिस्ट? दैट एग्जिस्ट व्हाट? ए स्टैटिक फ्रिक्शन। देयर एग्जिस्ट व्हाट सर? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, मैं कहता हूँ कि इसके और इसके बीच में एक नया ड्रामा लेके आया हूँ मैं, उसका नाम क्या है सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं कहता हूँ इसके और इसके बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है सर? 30 न्यूटन। और इसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। नया क्या लाया हूँ मैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो जाती। ये जो ब्लॉक है इस ग्राउंड पे तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या नहीं हो जाती सर? ज़्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इट्स ए स्पेशल पार्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इट्स ए स्पेशल पार्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब जरा देखो कि एफ मैंने 1 न्यूटन लगाया, क्या ये बॉडी मूव करेगी? कर ही नहीं सकती। ये बॉडी मूव कब करेगी? जब एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन से ज़्यादा हो। लेकिन इसने मूव नहीं किया तो किसी ने तो इसको क्या किया होगा सर? एडजस्ट किया होगा। तो किसने एडजस्ट किया सर? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक भी कितना होगा? 1 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स में कितना लगाया? 2 न्यूटन। क्या ये मूव करेगी? नहीं, 30 न्यूटन से क्या है सर? कम है। अगर ये मूव नहीं कर रही है तो इस 2 न्यूटन को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा। यस, कर रहा है। कौन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने 10 लगाया, मूव करेगी? नहीं करेगी। कितना लगा? 10। मैंने लगाया 20 न्यूटन, मूव करेगी? नहीं करेगी। कितना लगा सर? 20। मैंने लगाया 25, मूव करेगी? नहीं करेगी। कितना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन? 25। मैंने लगाया 31 न्यूटन, मूव करेगी? हाँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपने क्या लगा दिया है सर? ज़्यादा लगा दिया है। अब ये कितना लिख दिया मैंने? 25 न्यूटन। अरे, आपने 25 न्यूटन कैसे लिख दिया? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है अब ये स्टैटिक नहीं है, बॉडी मूव करना शुरू हो गई। अगर एक बार बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया तो देयर मस्ट बी सम रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब ये जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा सर? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है सर? कम होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरी कर रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग है। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी? 1। तो इसने अपने आप को क्या कर दिया सर? सेल्फ एडजस्ट कर लिया। 2 न्यूटन, तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करते हुए कितना कर लिया सर? 2 न्यूटन। 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करते हुए कितना कर लिया सर? 10 न्यूटन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल है और सेल्फ एडजस्टिंग है। हालांकि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी हमेशा, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए वेरिएबल, इज ए वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हाउएवर इट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। हालांकि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, क्या बोलते हैं सर उसको अपन? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
इफ एक्सटर्नल फोर्स एफ इज लेस देन एफल इज लेस देन एफल देन बॉडी विल बी एट रेस्ट बट इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ एल बॉडी विल मूव बॉडी क्या करेगी सर मूव करेगी है ना अगर एफ लेस देन एफ एल है तो बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा स्टैटिक अगर एफ ग्रेटर देन एफ एल है तो बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा सर कनेक्ट सॉरी बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा सर आपको क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में काइनेटिक एक चीज और देखो फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज दो बॉडीज के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हटाता हूँ तो क्या आता है सर म्यू दिस म्यू इज वॉट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस म्यू इज कॉल्ड व्हाट सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो म्यू आप डिफाइन कर सकते हैं एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन ठीक है एंड एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है बराबर हम दो चीज़ें अपन ले आए क्या ले आए सर दो चीज़ें अगर एफ लेस देन एफ एल है देन फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एस एन अगर एफ एफ एल से बड़ा है तो एफ के क्या होगा म्यू के एन ठीक है बराबर ये एक बॉडी है आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हो सर फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल इस तरफ क्या लगेगा सर फ्रिक्शन एज्यूम कर लेते हैं रिलेटिव मोशन इस तरफ ही होएगा इस तरफ एक तो म्यूएस है और एक म्यू के है हम फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में ग्राफ खींचते हैं तो हम एक चीज़ मान लेते हैं कि म्यू एल लगभग 20 के आसपास कहीं है तो जब तक 20 नहीं आएगा तब तक तो स्ट्रेट लाइन होगी एफ 1 लगाया तो ये भी 1 आएगा ये 2 लगाया तो ये भी क्या होगा 2 ये 3 लगाया तो ये भी क्या होगा 3 ये 4 लगाया तो ये भी क्या होगा 4 तो कैसे चलेगा स्ट्रेट लाइन ठीक है सर ये स्ट्रेट लाइन चला ठीक है ये सबसे ऊंचे पे पहुंचा कब म्यू एल पे म्यू एल या यहाँ पे कर लो दिस इज व्हाट म्यू एल एन लिमिटिंग पे पहुँच गया उसके बाद चलना शुरू कर देगा तो नीचे आएगा क्यों अब काइनेटिक आएगा और काइनेटिक जो है वो लिमिटिंग से क्या होता है सर कम है तो ये अपना फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में क्या होगा सर ग्राफ तो ये अपन ने फ्रिक्शन के बारे में थ्योरी पढ़ी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है ज़्यादा कुछ नहीं है वेरी इजी थ्योरी बिल्कुल रिलैक्स रहें काम रहें कंट्रोल रहें अपने आप को संभालें ठीक है लॉकडाउन ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला
ठीक है, रिलैक्स रहें बिल्कुल। हम बहुत मेहनत करते हैं, कम से कम मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।